जीपीएस माउंट, और ये जीपीएस माउंट मिलता है साथ में, इसमें लगा वाटरप्रूफ वाला मोबाइल और फुल बॉडी क्रैश गार्ड, जैसे कि मैं वीडियो में बताता हूँ। इसमें देखने मिलेगा आपको मर्सिडीज वाले हार्नेस वाली फॉग लाइट, देखिए ये आपकी हो गई येलो, ये आपकी हो गई व्हाइट। फ्रेंड वेलकम बैक, में मैं हूँ आपका अपना राजबराज, आपके सामने है वी स्ट्रोम 250 SX, और इसके अंदर मॉडिफिकेशन है। रुक जा भाई, तू रुक जा। दिखाने वाला हूं आपको ये बाइक है बिल्कुल न्यू ब्रांड, लाइक नंबर भी नहीं आया है इसके अंदर, जो कि आप देख सकते हो। और इसके बाद में इसके अंदर दिखाता हूं मॉडिफिकेशन के क्या क्या की गई है। पहले देखिए इसके अंदर लगा दिया इंडिकेटर बल्ब विद हैजार्ड, ये आपके इंडिकेटर बल्ब होता है सिमटेक ओरिजिनल, एंड आपको मिलता है सिमटेक ओरिजिनल ही हैजार्ड, जिसकी मिलती है पूरे 1 साल की गारंटी आपको हैजार्ड की, एंड आपको मिलती है इंडिकेटर बल्ब की पूरे 3 साल की गारंटी। लुकअप चेक कर लो, और इसमें पैटर्न मिल जाए 20-30 पैटर्न इसके अंदर आपको मिल जाते हैं ईजिली, और जब भी आप राइड करते हो ना काफ़ी कंफर्ट जोन में आ जाते हो वैसे आप राइड करने को, क्योंकि हैजार्ड है इसकी मिलती है आपको पूरे 1 साल की गारंटी, इंडिकेटर बल्ब की होगी आपकी पूरे 3 साल की गारंटी, और जैसे कि मैंने बताया 20-30 पैटर्न इसके अंदर आपको मिल जाते हैं हैजार्ड के अंदर। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लगा रखा है जीपीएस माउंट, और ये जीपीएस माउंट मिलता है आपको प्रॉपर वी स्ट्रोम का, देख सकते हो वी स्ट्रोम की ब्रांडिंग मिल जाती है इसके अंदर, और ये होता है आपका जनरल फिटिंग वाला, ना ही कोई वाइब्रेशन होगी ना ही कोई कंपन किस तरह की, और ये मिलता है आपको ओरिजिनल। इस साथ में इसमें लगा था वाटर प्रूफ वाला मोबाइल होल्डर बोपो का ओरिजिनल, इसमें मोबाइल होल्ड करने के बाद ना आप कहीं पर भी इजी टू राइड कर सकते हो, ना तो फ़ोन चोरी होने का खतरा रहेगा और ना ही आपका फ़ोन ख़राब होने का खतरा रहेगा, क्योंकि ये होता है आपको पूरा वाटर, देख लो और ओपन की इस तरीके से ही ओपन होता है आपका पूरा फ़ोन, इसके अंदर आपका ईजीली आ जाएगा। और बंद करने के बाद चार्जिंग करना चाहो तो यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट का आपको मिल जाता है ये वाला कैप, हटाने के बाद फ़ोन चार्ज भी कर सकते हो अपनी डाटा केबल लगाने के बाद, यहाँ पे डाटा केबल लगी जाती है। और साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको क्रैश गार्ड, जो कि फुल बॉडी क्रैश गार्ड, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि फुल बॉडी क्रैश गार्ड इसलिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ना आपका जो TPFC होते हैं, आपका टैंक्स होता है, आपका वाइजर होता है, एंड आपका इंजन एग्जॉस्ट एंड आपके खुद के लैग्स, ये सबको करता है पूरी तरह से प्रोटेक्ट, क्योंकि आप देख सकते हो तो प्रॉपर फिटमेंट वाला होता है, इसमें कोई जुगाड़ नहीं होता, सिंपली इजी टू फिटेड है। और साथ में इसमें मिलते हैं 4 स्लाइडर, एक इधर एक इधर और एक इधर एक उधर, जब भी आपकी बाइक गिरती है इनकेस तो ये आपकी बाइक को करता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको मर्सिडीज वाले हार्नेस वाली फॉग लैंप, ये भी लुक चेकआउट कर लो कैसी इसमें लुक आती है लगने के बाद। और साथ में ना इसके जो फिटमेंट होते हैं वो करते हैं हम 0-0 फिटमेंट, और ना ही कोई वायर कटिंग होती है, इजी टू फिटिंग होती है। और ये आपकी हार्नेस, तो हार्नेस का मतलब बटन वगैरह सब देख सकते हैं आपको, ये बटन वगैरह सारा इसके अंदर ही कंप्लीट आता है। और रोशनी दिखा दूँ कैसी है, देखिए ये आपकी हो गई येलो, ये आपकी हो गई वाइट, ये आपकी हो गई येलो वाइट, एंड ये आपका हो गया ब्लिंकर्स। ब्लिंकर्स में 4-5 पैटर्न आपको मिल जाते हैं इसके अंदर इजीली, और ज़रूरी नहीं है येलो वाइट, आप वाइट में चाहो येलो में चाहो सबके अंदर ही आपको सेम वही पैटर्न मिल जाते हैं आपको ब्लिंकर्स के। और इसके बाद यहाँ पर आकर वो टैंक पैड, ये भी इसके अंदर लगा दिया गया, जो कि आपके टैंक को करता है सेफ, जब भी आप राइड करते हो तो बेल्ट वगैरह लगने का जो खतरा होता है ना यहाँ पर वो खत्म हो जाए, स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगने वाले हैं इसके अंदर। इधर आपको मिलेंगे थाई पैड, क्योंकि पैंट से आपको पता है कि यहाँ पर साइड में स्क्रैचेस आने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसे लगाने का वो भी आपका खतरा हो जाता है पूरी तरीके से ख़त्म। और यहाँ पर आकर वैसे तो इसमें काम और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट भैया नेक्स्ट टाइम जब टूर पर जाएंगे ना तो इसकी सेकंड पार्ट ज़रूर लेकर आएंगे हम, जिसमें इसका टॉप बॉक्स होगा, टायर अगर होगा, पैनियर्स वगैरह, और बहुत सारी जो चीज़ें लगती हैं ना इसके, नीडफुल हैंडल बार रेजर वगैरह सब कुछ लगाएंगे बाद में। तो एक बार मैं मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको फाइनली कैसा लगा हमारे पास और कैसे आए थे भैया, कैसे हैं आप और कैसे आए थे और कैसा काम लगा रही है? मैंने राजू भाई की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, आज ही मैंने ये बाइक परचेज़ करी है, और परचेज़ करते साथ ही मैं मॉडिफिकेशन कराने आ गया, थोड़ी सी बाइक ढूंढने शॉप ढूंढने में स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, लेकिन इवेंचुअली मैं पहुँच गया, और मैं काफ़ी दूर से आया था, मेरठ से आया था, मेरे को वापस मेरठ ही जाना है, मेरठ से आया था, ये तो मुझे अभी पता लगा। तो मैंने इसीलिए सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आके मैंने बाइक परचेज़ कर ली, ताकि मैं अपना टाइम निकाल के सारा एक ही दिन में करवा सकूं। अच्छा, बाइक भी आपने यहीं से परचेज़ किया? हाँ, दिल्ली से, मैंने दिल्ली नंबर परचेज़ करवाया था, तो अब मैं सारा अपना काम एक साथ करवा के जा रहा हूँ। इसको मतलब डायरेक्ट फ्रॉम शोरूम है? हाँ, डायरेक्ट फ्रॉम शोरूम है, कहीं पर नहीं, स्क्रीन पर दिखा रहा था, सीधे आप ही दिखा दें। 12 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, मतलब डायरेक्ट फ्रॉम शोरूम है, जैसे कि भैया ने बताया, तो डायरेक्ट शोरूम से भैया लेकर आए थे यहाँ पर। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर? एक्सपीरियंस बढ़िया रहा अभी तक तो, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, टाइम से काम हो गया मेरा, और ऐसा भी नहीं था, मतलब टाइम तो लगता है चीज़ों में, लेकिन ये हुआ कि आपने स्टार्टिंग जैसे ही मैं आया उसी समय मेरा काम स्टार्ट करवा दिया था, तो ये नहीं था कि मैं बहुत देर तक बैठा रहा और वेट करा, तो वो
थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, बाकी तो टाइम जो काम होने में लगता है वो तो लगता ही है, तो उसमें कुछ ऑल अबाउट सेटिस्फाइड है आप? हाँ मैं ठीक। और भी कोई भाई बंधु आना चाहे हमारा ऑल इंडिया से, आप मेरठ से आए हो? हाँ मैं रिकमेंड करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे एक तो वन स्टॉप शॉप है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें ढूंढने में टाइम लगता है, वो और टाइम वेस्ट होता है आपको, हो सकता है सही चीज़ मिले ना मिले। तो अगली बार आप कब आना चाहते हैं? मेरे को अभी और भी काम कराना है तो मैं देखता हूँ सेकंड ट्रिप, पहले तो अभी इसको जो मैंने एसेसरीज लगवाई है उनके साथ में एक बार बाइक की राइड करता हूँ एक दो, और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ मेरे को क्या और इसमें करवाना है। थैंक यू सो मच विजिट करने के लिए। एंड ये थे भैया जो कि हमारे पास आते मेरठ से, मुझे भी नहीं पता भैया मेरठ से आए, इन्होंने अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन करा ली है। आपको भी कराने अपनी किसी बाइक के अंदर, किसी भी स्कूटी के अंदर, नॉर्मल हो बाइक हो, सुपर बाइक हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो, आ सकते हो आपके अपने शो राजू भाई की शॉप पर, जो मिलते हैं वो दिल्ली के करोल बाग नायवलैंड के अंदर। जब भी आप आते हो ना ये ध्यान दें, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा, आप कॉल करके लोकेशन मंगा सकते हो, या अंदर डिस्क्रिप्शन में एड्रेस लोकेशन सब कुछ मेंशन है, आप वहाँ से भी निकाल के आ सकते हो इजीली। और जब भी आप आएँ मुझे जो राजू भाई आपको हमेशा आपको यही मिलता है, चाहे कोई सा भी दिन हो, मंडे छोड़ के, मंडे मैं नहीं मिलता, अदर डे हमेशा मिलता हूँ। बाकी वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करें मुझे जरूर बताना, और जो भी अच्छा लगा ना, अगर आपको कुछ मंगवाना हो तो प्राइसिंग वगैरह जानना हो तो कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7822171414991152926। किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हो और जो भी क्वारीज हो वो मंगवा सकते हो अपने घर पर भी, या आना चाहो तो आ भी सकते हो। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपका भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग्स लाता रहता है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय श्री राम, गुड बाय।